सो so, अगर आप में से किसी ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारा कंटेंट भी अच्छा लग रहा है तो क्या कर रहे हो यार तो कर दो ना जल्दी सो टुडे वी आर गोइंग टू बैक टेस्ट अनदर फेमस स्ट्रेटजी विच इज एमए सी डी प्लस आर एस आई प्लस टोकस्टिक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी स्क्रीन पे आपको ये वीडियो दिख रहा होगा उनका ये वीडियो बहुत फेमस चल रहा है और बहुत लोगों ने हमें रिक्वेस्ट भी किया है कि भाई ये वीडियो देखो बिकॉज ही इज़ क्लेमिंग सिक्स सेवेंटी फाइव परसेंट का गेन है इस स्ट्रेटजी में इन लास्ट थ्री ईयर्स बैगलाइन तो बहुत तगड़ा है देखते हैं हमारी बैक टेस्टिंग क्या बोलती है इन्होंने ऑलरेडी इस वीडियो में इसका ऑटोमेटेड बैक टेस्टिंग का रिजल्ट बताया है और हमारे दोस्त अभिषेक फ्रॉम स्ट्रेटर्जिक स्टॉक ने भी इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं इसलिए मैं ये वीडियो बनाने नहीं वाला था बट लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे और मेरा पर्सपेक्टिव जानना चाहते थे इसलिए सोचा क्यों नहीं बना के देख लेते हैं सो एज द नेम सजेस्ट दिस इज अ इंडिकेटर स्ट्रेटी वेर ही हैज़ यूज थ्री इंडिकेटर्स फर्स्ट इज एम फिर आर एस आई एंड थर्ड विद कस्टम सेटिंग्स कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये उन्होंने फ्रॉम से कॉपी किया है मैंने वो वीडियो देखा है इंडिकेटर कॉम्बिनेशन वही है बट सेटिंग्स अलग है देखो हो सकता है कि उन्होंने इंस्पिरेशन लिया हो और इंडियन मार्केट के लिए ऑप्टिमाइज किया हो और इट्स जस्ट अ प्योर को इसलिए हम स्ट्रेटेजी के बारे में कॉपी है कि नहीं उसमें कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेता ही है एज यू नो दिस इज ए इंडेक्स स्ट्रेटेजी और आप जानते हो कि हम इंडेक्स स्ट्रेटेजी को फ्यूचर्स के लिए टेस्ट करते हैं और उससे खुद डिसाइड करते हैं कि ऑप्शन में कैसे काम करेगा तो इंड्रो के बाद हम स्ट्रेटेजी पर चलते हैं जहाँ हम एम ए सी डी प्लस आर एस आई प्लस टोकेस्टिक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फ्रॉम ट्रेंड टेरर करन को टोटल हंड्रेड टाइम्स टेस्ट करेंगे इन बैंक निफ्टी और चेक करेंगे कि कैसे काम करता है सो हाई एवरी वन दिस इज प्रेडिंग फ्रॉम ट्रेडर इन साइड लेट स्टार्ट दीडियो सबसे पहले हम ट्रेडिंग भी ओपन करेंगे और बैंक निफ्टी प्लॉट करेंगे सिंपली यह ऊपर क्लिक करो और बैंक निफ्टी सर्च करो तो आपको मिल जाएगा अब टाइम फ्रेम को फिफ्टीन मिनट्स कर देंगे अब इसके बाद ऊपर इंडिकेटर्स में जाके एम सर्च करो तो ये बेल्टिन वाला आएगा इसे ऐड कर दो अब इसके सेटिंग्स में जाके फास्ट लेंथ को ट्वेंटी फोर करेंगे और स्लो लेंथ को थर्टी फोर करेंगे अभी इसके स्टाइल्स में जाके एमए लाइन को ग्रीन करेंगे और सिग्नल लाइन को रेड करेंगे ये हमारा प्रेफरेंस है आप आपके हिसाब से रख सकते हो अब वापस ऊपर इंडिकेटर में जाएंगे और स्टोकेस्टिक सर्च करेंगे ये भी ऐसा बिल्टिन वाला आएगा उसे ऐड कर दो अभी इसके सेटिंग्स में जाएंगे और लेंथ को नाइन करेंगे और दोनों स्मूथिंग को ट्वेंटी करेंगे और स्टाइल में जाके परसेंटेज के और मिडल बैंड छोड़ के बाकी सब अनटिक करेंगे और ये जो मिडल बैंड का वैल्यू है ना उसे भी हम फिफ्टी करेंगे और ओके कर देंगे अभी लास्ट वापस ऊपर इंडिकेटर में जाके आर एस आई सर्च करेंगे तो ये बिल्ट इन वाला आएगा वापस इसको ही ऐड करेंगे फिर इसके सेटिंग्स में सब डिफॉल्ट ही रखेंगे सिर्फ स्टाइल में जाके आर एस आई और आर एस आई अपर बैंड को छोड़ के बाकी सब अनटिक करेंगे और ये जो अपर बैंड है उसका वैल्यू भी हम सेवेंटी कर देंगे फिर ओके कर देंगे हो गया सेटअप रेडी चलिए रूल्स देखते हैं एम ए सी डी शुड क्रॉस सिग्नल लाइन फ्रॉम बिलो दैट इज ग्रीन लाइन शुड क्रॉस अबाउ द रेड लाइन फिर स्टोकेस्टिक शुड बी अबोव फिफ्टी फिर आर एस आई शुड बी अबोव सेवेंटी सो रूल्स के हिसाब से सबसे पहले आपको एक एम एस सी डी का क्रॉस ओवर मिलना चाहिए दैट इज़ आपका एम ए सी डी का लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर जाना चाहिए और जैसे ही क्रॉस ओवर होगा हमें ये भी देखना है कि स्टोकेस्टिक का वैल्यू फिफ्टी के ऊपर है और आर एस आई का वैल्यू सेवेंटी के ऊपर है कि नहीं अगर ये नहीं है तो हमें कुछ टाइम वेट करना है और तब तक वेट करना है जब तक ये वैल्यू क्रॉस नहीं होगा जैसे आप यहाँ देख सकते हो यहाँ एम ने कब का क्रॉस दे दिया है बट दोनों स्टॉक और आर अपने लेवल्स के नीचे हैं और कुछ टाइम बाद यहाँ पर देखो स्टॉक अपने आप फिफ्टी के ऊपर गया बट आर अभी भी नीचे है सो वी विल वेट और फिर इधर कुछ टाइम बाद आर ऊपर चला गया सो हमारे लिए ये वाला जो कैंडल है ना वो एक ट्रिगर कैंडल बन जाएगा अभी एंट्री वुड द क्लोज ऑफ द ट्रिगर कैंडल स्टॉप लॉस ये स्ट्रेटेजी में कोई प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस नहीं है विच आई यूजअली डोंट लाइक बट अगर सिक्स सेवेंटी फाइव परसेंट गेन मिलेगा तो क्यों नहीं देखते हैं और टारगेट वेन सिग्नल लाइन क्रॉसेज अबाउ द एम एस डी जैसे ही यहाँ पर वापस ग्रीन लाइन रेड लाइन के नीचे चले जाएगा तो हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ हम दोनों बुक कर लेंगे तो इस एग्जाम्पल में देखिए हमें इतना बड़ा मूव मिला चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं यह देखिए यहाँ एम एस सी डी ने क्रॉस ओवर दिया है और जस्ट यहाँ कुछ टाइम बाद स्टॉक और आर दोनों फिफ्टी और सेवेंटी रिस्पेक्टिव लेवल के ऊपर चले गए सो so, ये वाला कैंडल हमारे लिए एंट्री कैंडल है सो so, इसके क्लोज पे एंट्री लेंगे और यहाँ जाके हमें वापस क्रॉसओवर मिला है सो so, हम हमारा प्रॉफिट यहाँ बुक करेंगे आई होप ये क्लियर है चलिए सेल रूल देखने से पहले आई वुड लाइक टू गिव अ वु चार्ट प्राइम वो आर ऑल्सो स्पॉन्सर जिनको नहीं पता चार्ट प्राइम इज अ कस्टम इंडिकेटर सर्विस जैसे आपको सिर्फ बाई नहीं है इनका गोल उन ट्रेडर पे फोकस्ड है जो अपने ट्रेडिंग करियर के मामले में सीरियस है और इनके टूल्स को एडिशनल कन्फॉर्मेशन की जरा अपने में यूज करेंगे इनकी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग कम्युनिटी भी है डिस्कॉर्ड पे जहाँ ये लोग ट्रेड आइडियाज पोस्ट करते रहते हैं और नए सेटअप भी पोस्ट करते हैं इनके इंडिकेटर्स में आपको काम के और ज़्यादा एक्यूरेट सिग्नल्स मिलते हैं बाकी के ट्रेडिंग सर्विसेज के कंपैरिजन में रेड भी बाकी सर्विस प्रोवाइडर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट हाफ ही है जिसमें ये आपको सिक्स इंडिकेटर्स प्रोवाइड करते हैं विद ट्वेंटी डिफरेंट यूनिक कन्फ्लुएंस पॉइंट जो आप अपने एनालिसिस में यूज कर सकते हो ऑब्वियसली दिस इज नॉट फॉर एवरी और मैं आपको गारंटी भी नहीं दे सकता हूँ कि ये आपको हमेशा पैसा बना के देगा बट इतना तो हम भी जानते हैं कि हम ट्रेडर्स हैं और हम प्रोबेबिलिटी पर विश्वास करते हैं सो आई वुड एडवाइज टू टेक देयर वन मंथ सब्सक्रिप्शन एंड ट्राई आउट दर प्रोडक्ट योर सेल्फ और जितने एक्सपेरिमेंटेशन बैक टेस्टिंग करना है कर लो अगर आपको सही लगता है तो ही कंटिन्यू करो वरना मत करना कौन फोर्स कर तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा अगर आपने वहां से अकाउंट ओपन किया तो आपको फोर्टी परसेंट ऑफ मिल जाएगा जिससे आपको इफेक्टिवली प्रोडक्ट और सस्ते में मिल रहा है सो इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग मेक श्योर टू चेक दम आउट चलिए सेल रूल भी देख लेते हैं फर्स्ट MACD should cross below शुड क्रॉस बिलो द सिग्नल लाइन line should रेड लाइन शुड क्रॉस line ग्रीन लाइन फिर stochastic शुड बी बिलो 50 और RSI should be शुड बी बिलो सो जैसे आप ऊपर देख सकते हो ये सब कंडीशन सेटिस्फाई होता है फॉर एग्जांपल यहाँ MACD ने क्रॉसओवर दिया है इधर और RSI भी 70 के नीचे हैं बट हम यहाँ एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि stochastic 50 के ऊपर है सो so, इधर जैसे आप देख सकते हो कुछ टाइम बाद स्टॉक एस्टिक फिफ्टी के नीचे चला गया सो so, हमारे लिए ट्रिगर कैंडल है और इसके क्लोज पे एंट्री लेंगे सो एंट्री वुड बेट द क्लोज ऑफ द ट्रिगर कैंडल टारगेट जैसे ही एमएस वापस क्रॉस करता है सिग्नल लाइन को वो हमारे लिए टारगेट होगा रूल सिंपल लग रहा है ना चलिए इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ देखिए या एमएससी ने इधर क्रॉस दिया है और आर भी सेवेंटी लेवल के नीचे है बट स्टॉक यहाँ पर फिफ्टी के ऊपर है सो वी विल हैव टू वेट और यहाँ जाके वो स्टोकास्टिक का वैल्यू फिफ्टी के नीचे गया सो ये वाला जो ऊपर कैंडल है हमारे लिए ट्रिगर कैंडल होगा सो इसके क्लोज पर हम एंट्री लेंगे और यहाँ पर जाके उसने वापस क्रॉस ओवर दिया अनफॉर्चुनेटली दिस रिजल्टेड इन अ लॉस कोई बात नहीं एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ देखिए एम ने क्रॉसओवर देके नीचे गया है सिग्नल लाइन के और यहाँ पर स्टॉक और आर दोनों 50 और 70 लेवल के नीचे हैं सो इस कैंडल के क्लोज पे हम एंट्री लेंगे और यहां जाके हमें क्रॉस ओवर वापस, सो so, इतना बड़ा हमारा टारगेट हुआ चलिए आई होप स्ट्रेटेजी क्लियर है अगर आपको डाउट है तो आप उनका वीडियो और देख सकते हो तो इस ट्रेटेजी को हम टोटल हंड्रेड टाइम्स टेस्ट करेंगे आई लेट यू नो द फुल रिजल्ट आफ्टर द टेस्ट चलिए रिजल्ट देखते हैं so, आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड वॉज हंड्रेड उसमें से 42 टू आर विन एंड फिफ्टी एट वॉज लॉस सो विन रेट हुआ फोर्टी टू परसेंट टोटल गेन इन अकाउंट वॉज टूवल्व पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट एंड मैक्स ड्रॉडाउन इज माइनस थर्टी टू पॉइंट थ्री सिक्स परसेंट कंटिन्यूस विन इन अ रो इज फोर एंड कंटिन्यूस लूज इन अ रो इज़ नाइन टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट वॉज सिक्स पॉइंट फाइव जीरो नाइन मंथस जैसे आप देख सकते हो ये स्ट्रैटेजी करेंटली अपने ड्रॉडाउन फेज में है और मैंने इसका इक्विटी क को अभिषेक के वीडियो से भी कंपेयर किया था और जैसे आप देख सकते हो इक्विटी क काइंड ऑफ सेम है इनफैक्ट उनका वीडियो आने के बाद इस स्ट्रैटेजी का और ड्रॉ डाउन हुआ है मेन प्रॉब्लम इस स्ट्रैटेजी में मेरे को पूछोगे तो इसका फिक्स ड्रॉफ लॉस ना होना है वो भी बैंक निफ्टी में एट वन इंस्टेंस आपको नाइनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तक का भी लॉस हुआ है नो डाउट हाइएस्ट प्रॉफिट थर्टी थ्री थाउजेंड का भी है बट डू यू थिंक इट इज़ रियली वर्थ द रिस्क सो मैं इतना बोल सकता हूँ लास्ट थ्री ईयर्स में स्ट्रैटेजी ने सिक्स सेवेंटी फाइव परसेंट का गेन दिया होगा बट लास्ट साढ़े छः महीने में, में इसका गेन सिर्फ ट्वेल्व पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट है और करेंटली ये स्ट्रैटेजी अपने ड्रॉडाउन फेज में ही चल रहा है एनी वेज कूडोज टू मिस्टर करन फॉर शेयरिंग दिस स्ट्रैटेजी विद दस एज ऑलवेज जैसे मैं बोलता हूँ आपको सीधा मेरी बात या किसी की भी बात ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है हर स्ट्रैटेजी को आपको पहले खुद टेस्ट करना है और फिर डिसाइड करना है कि स्ट्रेटेजी कैसे काम करता है सो आई लट द स्ट्रैटेजेजी इन द गूगल शीट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड दिस टेक्स द सेवनटीन पोजिशन इन द लिस्ट यू कैन चेक द लिस्ट एंड रिव्यू और यॉच एनी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी लाइक सो so guys इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सपोर्ट us by subscribing to टू द चैनल एंड हिटिंग द notification नोटिफिकेशन एंड डू लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो एंड मेक श्योर टू चेक chat प्राइम को इफेक्टिवली उनका प्रोडक्ट 40% परसेंट तक ऑफ मिल रहा है और अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो यू पी आपके स्क्रीन पे होगा और अगर आपके डिमेट अकाउंट नहीं है तो आप जीरो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा हमसे अकाउंट ओपन करके आप चैनल की थोड़ी हेल्प कर सकते हो और अगर आपको ये वाली प्रैक्टिसिंग शीट चाहिए तो मैंने इसे ऑलरेडी मेरे चैनल पे शेयर किया है आपको ये वीडियो सजेस्ट हो रहा रहेगा फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा आप वहां से देख सकते हो प्लीज़ कमेंट में आपके फीडबैक दीजिए और कौन सी स्ट्रैटेजी आप चाहते हैं कि हम बैक टेस्ट करें अपने फ्यूचर वीडियोज़ में ये भी जरूर बताना आप हमारे चैनल की प्ले देख सकते हो और दूसरे स्ट्रेटेजीज के वीडियोज भी देख सकते हो ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बीन द डिस्क्रिप्शन प्लीज फॉलो एंड शो यर सपोर्ट मोर ऑफ सम्सर ऑन द वे सो सी यू नेक्स्ट टाइम